नमो नमः। आज हम लोग प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन या अच्छी बातें, ऐसे कथन जो मानव के मनोमस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और विषय को सहज ही ग्राह्य बना देते हैं। आओ पढ़ें इन सुभाषितों को। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम, आप इसको अलग करोगे तो हो जाएगा जलम प्लस अन्नम। सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात पृथ्वी में इस संसार में तीन रत्न हैं, उनमें से पहला रत्न जल, दूसरा अन्न और तीसरा अच्छी बातें। मूढ़ई माने मूर्ख, तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं और विद्वानों के द्वारा रत्न जल अन्न और अच्छी बातों को कहा गया है। दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से तपता है, वायु सत्य से बहती है, सब कुछ सत्य से ही स्थापित है, अर्थात सत्य ही सब कुछ है। तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, दाने सप्तमी विभक्ति है तो कारक क्या होगा, अधिकरण में पेपर, तो दान में तपसी, तप में शौर्य, बल में विज्ञाने, विज्ञान में विनये, विनय में और नये, नीति में वास्तव में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बहुत से आश्चर्यों से भरी हुई है, पृथ्वी बहुत से रत्नों से भरी हुई है। अगला, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्विर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किञ्चिदाचरेत्। अर्थात सद्भिरेव सहासीत, सद्भि सज्जनों के साथ, कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिदाचरेत, ना सद्भिः, ना असद्भिः, असद्भिः दुर्जन, अर्थात दुष्टों के साथ, दुर्जनों के साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, हमें सदैव अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। अगला, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त
लज्ज सुखी भवेत, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला, जो लज्जा त्याग देता है वो सदैव सुखी रहता है। अगला, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा संसार में वशीकरण है, क्षमा से क्या नहीं प्राप्त होता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सधन्यवाद।